अस्सलामुअलैकुम माई YouTube फैमिली, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। आज की वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार से आलू, इनको हम अचारी आलू भी कह सकते हैं और तवा आलू भी जो है ना कह सकते हैं। बहुत ही अच्छे बनते हैं ये, तो हम रेसिपी की तरफ चलते हैं। जो हमें चीज़ें चाहिए होंगी, हमने चार पांच आलू लेने हैं, उनको हमने इस तरह की फॉर्म में जो है ना कट कर लेना है। और ये तो आलू यहाँ पर कम है, कुछ मैं और काट चुकी हूँ, वो मैं आप लोगों को बाद में दिखाती हूँ फिर। और इसके अलावा हमें चाहिए होगा प्याज, इस तरीके से हम बारीक बारीक प्याज चॉप कर लेंगे। आप ऑमलेट की फॉर्म में भी काट सकते हैं और इस तरीके से भी काट सकते हैं। और मैंने यहाँ पर तकरीबन दो छोटे टमाटर लिए, उनको इस तरीके से चॉप कर लिया। और हमें चाहिए होंगी हरी मिर्चें, इन सब चीज़ों का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आप लेना चाहें तो। और मेक श्योर कर लीजिएगा कि हरी मिर्ची काटने के बाद आप अपने हाथ ज़रूर धो लें, नहीं तो ऐसी मिर्ची लगेंगी कि आपको लग पता जाएगा। और इसके अलावा हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो हैं, हम लेंगे इसमें थोड़ा सा जो है ना नमक, हस्बे ज़ायका हम नमक लेंगे। उसके अलावा ये है जो दरदरी मिर्च होती है, मतलब कि कुटी हुई लाल मिर्च, थोड़ी सी हम ये लेंगे। थोड़ा सा ज़ीरा लेंगे, थोड़ा सा हम लेंगे सूखा धनिया पाउडर, और थोड़ी सी हम लेंगे लाल मिर्च। और यहाँ पर मैंने लिए बिल्कुल पिंच ऑफ काली मिर्च, और ये हम लेंगे थोड़ा सा बिल्कुल गर्म मसाला। ये बिल्कुल थोड़ी सी क्वान्टिटी में है, पता नहीं क्यों वीडियो में ज़्यादा नज़र आ रहा है ये, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेने। अब हम अगली रेसिपी की तरफ चलते हैं। हमने एक पैन लेना है और उसके अंदर हमने थोड़ा सा ऑयल शामिल करना है। उसके बाद हमने इस तरीके से आलू जो है ना वो हमने इसमें डाल देना है। हम इनको आलूओं को हल्का सा फ्राई करेंगे। पर तकरीबन चार से पांच छोटे छोटे आलू लिए थे और मैं इस तरीके से इन्हें फ्राई कर लूँगी। मैंने बिल्कुल इसमें थोड़ा सा नमक डाला और इसके अलावा मैंने थोड़ा सा जीरा डाला। इसको मैं अच्छे तरीके से फ्राई कर लूँगी और फिर उसके बाद मैं आप लोगों को वापस रख बताती हूँ। हमारे आलू हो रहे हैं फ्राई, इनको हम अच्छे तरीके से चम्मच में हिलाते रहेंगे। एक हाथ में कैमरा पकड़ के चम्मच चलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। आलू हमने फ्राई करके निकालते हैं और अब हमने इसके अंदर जो है ना प्याज डालेंगे। हम प्याज को हल्का सा क्या कहते हैं ब्राउन जो है वो कर लेंगे। टमाटर और हरी मिर्च शामिल करते हैं, सारे जो है ये मसाले भी शामिल कर देंगे और फिर हम इसकी अच्छे तरीके से भुनाई कर लेंगे। जब मैंने आलूओं को फ्राई किया था तो मैंने उसके अंदर थोड़ा सा नमक डाला था, इसलिए मैं इसके अंदर नमक अगर कम होगा तो चट कर डाल दूँगी, नहीं तो वो वाला नमक जो है इसके लिए इनफ है। देखिए जी, हमारा मज़ेदार सा मसाला जो है वो तैयार हो रहा है। हम इसकी अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे और फिर इसके बाद हम आलूओं को इसमें शामिल कर देंगे। इस पॉइंट पे हम अच्छे तरीके से यहाँ पर आलू